ऑर्डर ऑर्डर कॉमेडी की अदालत में केस आया है अक्सर टू की टीम का वकील हाजिर हो सूरज तेरा चढ़ता ढलता हर किस में करते हैं एक मिनट दंगल कहां है दंगल दंगल हम कल लंगोट में आए हैं ऑर्डर ऑर्डर वकील बोलो एक मिनट अन्नू जी आपको देखते ना अरे आंसू नहीं रुकते जज भी आप बनते हो और दरबान भी आप बनते हो 2500 में कहां-कहां करोगे वकील मुझे मुद्दे से मत भटकाओ जिन पर लगा है इल्जाम उन्हें जल्दी से बुलाओ आज जिद कर रहा है ओ मजनू हो भी जा शाम आज जिद सरकार भाई लागू सरकार एक मिनट हाँ जी कहे नाचते हुए आ रहे थे बारात आई का देखो कितने चुलबुले और खुश है फिल्म हिट तो हो रही तो फिर नाचना ओके ज़रीन यस सर क्या इल्जाम है तुम्हारे ऊपर बताओ ना बताओ मुझ पे ये इल्जाम है कि मैं बहुत हॉट हूँ तो तुम हो एक बात पूछेगा ये तुम अपना इल्जाम बता रही हो जज को उसका रही हो उसका रही हो गौतम हाँ जी सर तुम पर क्या इल्जाम है मुझ पे इल्जाम है कि सर मेरे सिक्स पैक एब्स हैं दिखा जरा काहे मान ले हम दिखा दिखा Only one button. Order. Two button. ए मुंह से पानी काहे निकाल रही है? That is enough. Time to show. इससे ज़्यादा नहीं. अभिनव जी अपना इल्जाम बताओ. एक बार जरा बाहर आइएगा. हिले नहीं ना हमको लगा ही नहीं कोई आया हमको लगा लेटर बॉक्स और चिट्ठी बाहर आ रही है अपना इल्जाम बताइए जरा मुझ पे तो बहुत अच्छा इल्जाम है कि मैं टीवी से मूवीज में आ गया तू कहे तो हम भोके तू कहे तो हम बटे तू कहे तो हगे हाँ जबान हम इतना टीवी करके फिल्मों के लिए मर रहे हैं फिल्में नहीं मिल रही ये फिल्में करके टीवी पे आ गए और ये टीवी करके फिल्मों में इस लड़के की बात सुन के हमारा मूड ऑफ हो गया छोड़ो ये सब आओ शुरू करें गौतम अभिनव ज़रीन हाँ जी सर चक दे इंडिया का जो अतरंगी स्टाइल है वो अभी लेके आएंगे हमारे अखाड़े से मुबीन नेहा और गुंजन अच्छा सुनो ना आज सब्जी भाजी लेके घर जल्दी आ जाना हाँ फिर क्या आप लेट आते हैं फिर मेरा पति भी आ जाता है अच्छा रखती है ओह माय गॉड अन्नू मलिक एक सेकेंड एक फोन कर दूं ए हलकट क्या बोला तेरे तू मेरे को हाँ कि अन्नू जी के बाजू में बिना सूंड का हाथी बैठता है झूठे कहीं के वो हाथी नहीं है वो तो भारती जी का मुखौटा लगा के कोई गेंडा बैठा है कंडक्ट वैसे अन्नू जी सच्ची बताना कैसा लग रहा है हेयर स्टाइल मत पूछो यार नहीं इधर का पूछ रही है हाथों का नहीं वो तो कमाल है सत्तर मिनट है तुम्हारे पास सत्तर मिनट नहीं अभी खाली पांच मिनट है मेरे पास 65 मिनट तो तू करते रहा हे कौन से जबान लड़ाती है सॉरी सॉरी सर प्लीज गुस्सा थूक दो ना सर मुंह खोल हाँ
बोल तेरे मैंने तुम्हें यहाँ पे किस लिए बुलाया है? बाकी की टीम कहाँ है? दिल पे काव है, लाठी का काव है, अपना भाई चल रही सचिन, सचिन, oh my god, सचिन, 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 बावड़ी हो गई क्या? मारा नाम पूर्णम से। आज टीम की कैप्टन वही बनेगी। जिसके दिल में हॉकी के लिए जज्बा है, जुनून है, जो हॉकी के लिए कुछ भी करेगी। देखो हॉकी के लिए मैं अपनी जान दे सकूं। पिछले पूरे 10 साल से मैं हॉकी प्रैक्टिस कर सू। मैं तो बस यही कहना चाहूंगी कि मैं अपने फ्लैट में अकेले रहती हूँ। कोच के साथ बदतमीजी, हाँ, और वो भी सबके सामने। हाँ? ए, बदतमीज नहीं बोलने का सेठ, पहले बोलती तेरे को। सेठ? सेठ कौन है? नहीं, पहले मैं जिधर काम करती थी ना, उधर आदमी लोग को सेठ बोलते थे। तो उधर से छोड़ने के बाद हॉकी ज्वाइन की क्या? नहीं, उसके बाद तो मैंने पिक्चर लाइन में चली गई थी। मैं कन्नड़ मिक्स हिंदी पिक्चर करती थी मैं। कन्नड़ कन्नड़? मेरी जो पहली पिक्चर आई थी ना, उसका नाम था यल्ला यल्ला पोड़े, ससुर ने बहू को मारे कोड़े। उसके बाद एक और पिक्चर आया था मेरा, कटप्पा निंजप्पा अंजप्पा, कौन बनेगा मेरे बच्चे का पप्पा। सर एक बात पूछूं क्या? आपको लेडीज हॉकी टीम कोई कोचिंग क्यों देना? क्योंकि अनु जी, इस देश में वुमेन्स हॉकी की जो हालत है वो बहुत खराब है, और मुझे अपने लिए मुझे विमेन्स हॉकी के लिए 12 लड़कियों की जरूरत। थोड़ा इधर भी करना। लेकिन कोच सर, हॉकी में तो 11 लड़कियां होती हैं। हाँ, तो मैं भी तो गवा रहा हूँ ना, एक लड़की मेरे लिए। ओ वाओ, तो फिर सर मेरे को रख लो, मैं 2-in-1 है। नहीं मतलब कि मैं हॉकी भी खेल लेगी, कैप्टन भी बन जाएगी और बीबी भी बन जाएगी। तो एक काम करते हैं, तुम्हारे बाबूजी से तुम्हारा हाथ मांग लेते हैं। ये मेरे लिए ठीक रहेगा कि नहीं? जबरदस्त। और खड़े होकर ताली बजाते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गौतम जी। हाँ जी। अब आ रहे हमारे तबेले से, जोरदार तालियां हो जाए रहमान भाई के लिए। Mama, kallu mama, hey mama, kallu mama. Hello everybody, hi. Hi. My name is Rehman Khan and tonight we are going to have a blast. Oh my god. Tick tick 3. Tick tick 2. Tick tick 1. Nahi phata yaar, Saudi Arab ka ghadi aise hi hota. So once I was performing a show in Syria. तो मैंने बोला कि माय नेम इज रहमान खान एंड टुनाइट वी आर गोइंग टू हैव अ ब्लास्ट। क्राउड में से एक दाढ़ी वाला उठा और चिल्लाया, यलगार हो। 25 सेकंड में पूरा हॉल खाली हो गया। दूसरा दाढ़ी वाला उठा, बोला यू इडियट, यू फूल, हु गेव यू ट्रेनिंग? वी ऑलवेज डू अनाउंसमेंट आफ्टर द ब्लास्ट। मैं बोला यार ये यलगार हो बोला किसने? दिखा तो बाजू में इस्माइल दरबार बैठ के बीड़ी पीते, यलगार हो बेटा, यलगार हो। सर जी, नाम के साथ ये प्रॉब्लम होती है। अभी पिछले दिनों मैं एयरपोर्ट पे बैठा हुआ था, जैसे गाय केम टू मी, सैट नेक्स्ट टू मी, मुझसे बातें करने लगा। फिर उसने पूछा आपका नाम क्या है? मैं बोला रहमान खान। वो मेरे को छोड़ के सामने वाली रो में जाके बैठ गया। मतलब तेरे को क्या लगता है जब ब्लास्ट होगा तो यही रो उड़ेगा? क्या बात है रहमान भाई? है कुछ नहीं, लेकिन लोगों के कुछ लोगों के दिमाग में जैसे रहमान खान है ना, सामने जरीन खान, मतलब क्या होता है जरीन का? गोल्ड। गोल्ड? आप गोल्डन, गोल्डन, आप जरीन खान, ये लग रही हैं जरीन खान। मुझे बोलते हैं जैसे खान मतलब शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, जरीन खान, सैफ अली खान, जरीन खान, ये सब खान है। तू कैसा रहमान खान है? मतलब भाई जब कपूरों में तुषार कपूर हो सकता है। तो खानों में रहमान खान क्यों नहीं हो सकता? मेरा फ्रेंड आके बोलता है तुम लोग बहुत लेजी हो, मेहनत नहीं करते हो। मैं बताता हूँ, सब ऐसे नहीं होते। माई डैड ही वॉज अ हार्ड वर्किंग मैन। हम लोग 7 भाई बहन है, मेहनत कश है। आजकल डायलॉग फिल्मों में बहुत आ गए, जैसे अम्मी जान कहती थी। मेरे बच्चे ने पूछा अब्बा ये अम्मी जान कहती थी, अब्बा जान क्यों नहीं कहते थे? मतलब बेटा अम्मी जान के सामने अब्बा जान तो क्या उनके बाप में भी दम नहीं कि कुछ बोल के बता दे।
एक और लाइन गजब है, बनिए का दिमाग और मियाँ भाई की डेयरिंग। बस बनिए का दिमाग तो ठीक है, ये उस मियाँ भाई की बात हो रही जिसकी शादी नहीं हुई है। शादी के बाद कितना बड़ा भी मियाँ भाई हो, उसके अंदर इतनी डेयरिंग नहीं, बीवी बोले नीचे से धनिया लेके जाओ, मना कर पाया। उनका भाप भी जाएगा। और बॉस सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क किया हमारा बॉलीवुड की फिल्मों ने। जरीन जी आप मतलब इसको रिलेट करेंगी, मैं बताता हूँ, अगर मुस्लिम कैरेक्टर है तो नॉर्मल कपड़ों में नहीं रहेगा। शमशेर पठान अगर नाम है, लंबी पठानी, आंख में 4 किलो सुरमा लगा हुआ है, बालों में मेहंदी के पता नहीं क्या फुड़वाया है उसने, अगर उसने शर्ट पहना तो ऐसी पहना कि अंदर से बनियान नजर आ रही हो भी जाली वाली। बिल्कुल बिल्कुल, ये स्टीरियोटाइप हमको बनाया गया। और अगर शमशेर पठान स्क्रीन पे एंटर होता है, बैकग्राउंड से अजान की आवाज आती है और सोनू निगम उठ जाता है, मेरा एक फ्रेंड आया फ्राइडे की नमाज के बाद, हम दोनों बाहर आया, मुझसे कहता यार ये तुम लोग के सोनू निगम का क्या नाटक है आजकल। बोला हम लोग का सोनू निगम? बोला क्या वो भी पढ़ के आया क्या बाहर? बोलता नहीं नहीं वो क्या, वो तुम्हारी फिल्म इंडस्ट्री का है ना, वो क्या बोल रहा है कि आजकल वो अजान होती है आँख खुल जाती है। बोला यार अपने घर के नीचे मस्जिद है, 45 साल हो गया अपनी आँख नहीं खुली। और मतलब जैसी बॉलीवुड में उर्दू बताई गई वैसी उर्दू है नहीं। राजकुमार साहब छोटी सी गलती करते थे, बोलते मैं आपसे मुआफी चाहता हूँ। इतनी बड़ी गलती कहाँ की आपने? मुआफी, मुआफी। और दूसरा सबसे ज्यादा मुझे शिकायत है, लोगों को लगता है हम लोग हमेशा ना नॉन वेज ही खाते हैं। भाई वो तो सही है। मेरा एक फ्रेंड है, वो सर मुझे रात में 11 बजे ही फोन करता, और क्या खा रहा, बिरयानी खा रहे क्या? उस दिन तो हद कर दी, सुबह 9:30 बजे फोन आया। तो सही बात है, 9:30 बजे क्या कर रहा है? ब्रेकफास्ट कर रहा है, बिरयानी खा रहे क्या? मतलब तेरे को क्या लगता है हम लोग बेड पे नहीं बकरे बकरे पे सोते हैं? सब्जी साग पालक पनीर हम लोग खाते हैं। और दूसरा मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है क्रिकेट से, बॉस आई हेट वॉचिंग इंडिया पाकिस्तान का मैच। मतलब जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो मेरे नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स मैच को कम और मेरे को ज्यादा देखते विराट कोहली ने सेंचुरी बनाया इस बात की खुशी नहीं मनाते, पहले चेक करते साले को सदमा तो नहीं हो गया है। अच्छा ये प्रॉब्लम यहाँ खत्म नहीं होती है। रहमान खान, उर्दू साफ सुथरी बोलता हूँ, पिछले दिनों पाकिस्तान के भी कॉमिक्स इंडिया में आए थे और हुआ यूं कि परिस्थिति वश उनको भेज दिया गया, मैं रह गया। लोगों को लगता था ये गया क्यों नहीं, लोग मुझसे पूछते थे अरे वापस कब जा रहे हो, मतलब आया कब था। मैं एक फिल्म कर रहा था, उसमें कैमरामैन मुझसे कहते थे अरे रहमान भाई जब तुम वहां जाओगे ना तो मजाजन पिक्चर की सीडी लेके आना। बोले ठीक है जाऊंगा, कभी नहीं आने दिए तो? बोले कैसे नहीं आने देंगे, आओ। मतलब सरबजीत को आने दिए थे क्या? वाह वाह। अच्छा एक दिन मेरा फ्रेंड आया, दिल की बातें बता रहा हूं, मुझसे कहता है यार ये तेरा वंदे मातरम के बारे में क्या ख्याल है? मतलब बहुत अच्छा ख्याल है। बोला नहीं कितना अच्छा ख्याल है, मतलब बहुत जबरदस्त ख्याल है। अच्छा तू ये जनागना मना पे खड़ा हो सकता है क्या? मतलब हर बार खड़ा होता हूँ। अच्छा बोले इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा ना तो फिर वो मैच इंडिया जीतना चाहिए, मतलब बहुत फ्रेंडली मैच भी इंडिया को जीतना चाहिए। बोले जा बे चल, तूने आर्ग्यूमेंट का पूरा मजा ही किरकिरा कर दिया। अरे मजे मत लो भाई, और मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, कुछ लोग हैं जो मजे लेते इस तरह, 90% लोग हैं आपस में बहुत प्यार करते हैं। आज भी मेरे नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स को दिवाली के पटाखे लेने होते तो अब्दुल भाई की दुकान से लेते थे, और हमको ईद की सेवैयां लेनी होती थी तो हम लोग गुप्ता स्वीट मार्ट से लेते। क्या बात है। मुंबई की बारिश जो हुई इस बार वो हिंदू मुस्लिम एकता की बहुत बड़ी मिसाल है। कोलाबा में गणपति पंडाल में ईद की नमाज पूरी की गई। सोचो कितना अच्छा मंजर होगा ना कि पंडाल के बाहर किसी ने गणपति बप्पा बोला होगा और अंदर से मोरिया के बजाय पहली बार अल्लाह अकबर की आवाज आई होगी। कुछ लोग हैं जो शायद उनको समझ नहीं आता, मैं उनके लिए बोलना चाहता हूं कि हिंदू की बात कर ना मुसलमान की बात कर, रामो रहीम नानको ईसा की बात कर और झूले शहीद जिसमें वो फंदे की बात कर, ए हिंद के जवान तिरंगे की बात कर। वाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू। रहमान जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बोलना चाहूँगी कि बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल एक्ट था, बीइंग अ खान, बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ पठान। मजाक मजाक में आपने काफ़ी खूबसूरत चीज़ें भी बोल दी, आई होप लोगों के दिमाग में ये बात अच्छे से एनग्रेव हो जाए। सो थैंक यू सो मच, वाज अ गुड परफॉर्मेंस।
भारती 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 जी, अनु जी आपको तो पता है कि 70s का जो हीरो होता था उसका और उसकी माँ का रिश्ता कमाल होता था। का कमाल का। और वो ही रिश्ता लेकर अब आ रहे हैं हमारे अखाड़े से कौन? राजीव और रावण अनीता। अच्छा आप सोच रहे होंगे कि एक्ट रेट्रो का, गाना तो रेट्रो का है नहीं, क्या करें जब ज़रीन जैसी हॉट लड़की सामने आके बैठी हो, रेट्रो वालों का भी कैरेक्टर ढीला हो जाता है। मैं सच्ची बता रहा हूँ ज़रीन जी, अगर आपको कहीं भारत भूषण भी देख लेना तो उसका भी कुलभूषण निकल जाए। ज़रीन खान, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। आई होप वो मुझे नहीं देखे फिर तो। लेकिन अनु जी, मैं हीरो बना हूँ रेट्रो का, तो मैं एक्ट शुरू करता हूँ फटाफट से ना, रेट्रो वाला। माँ 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 माँ, तू कहाँ है माँ? बेटा अपना स्टैंड अप शुरू कर, मैं अपनी लाइनें याद कर रही हूँ। और ले लो डेली सोप की आर्टिस्ट। वॉइस ओवर में भी फंबल मार रही है बैठ के पीछे। ज़रीन जी, एक जमाना होता था जो हमारे हीरो होते थे 70s के, एक आज के हीरो हैं, सिक्स पैक एब्स वाले हीरो। गौतम भाई, तुम्हारे तो यहाँ तक होंगे सिक्स पैक, टाइगर श्रॉफ के यहाँ तक हैं। आजकल की लड़कियां होती हैं ऐसे हीरो के सिक्स पैक देके फंस जाती हैं उनके साथ। हमारे टाइम में छाती देख के फंसती थी, जैसे ही हाथ डाला इतने बाल होते थे, बाल बीच में फंस जाते थे। अच्छा लगता है ना आपको? अच्छा, अनु जी, ज़रीन मैडम को देखो, ई हो रहा है। सोचो उस वक्त तो बटन खोल के चलते होते थे। बाल बाहर। थैंक गॉड मैं उस जमाने में नहीं थी। मैं तो कहता हूँ थैंक गॉड हमारे से पहले आ जाती, हमें मम्मी कहना पड़ना था आपको। साल हो गए मुझे आए हुए, ये बता माँ के तू कहाँ थी? माँ तू कहाँ थी? बेटा मैं मंदिर गई थी। मंदिर? अरे कटोरे जैसा मुंह मिला इसका मतलब अब सीढ़ियों पे बैठ के भीख मांगेगी माँ। बेटा मैं मन्नत मांगने गई थी, मन्नत। मंदिर में जाने से नहीं, अच्छी एक्टिंग करने से मन्नत मिलता है माँ। चुप कर ओए, तुझे मैंने वो मेरा चश्मा ठीक कराने दिया था, दे दे, कुछ कुछ नजर नहीं। अरे माँ, तेरे लिए चश्मा लाया हूँ माँ। क्या हुआ माँ? माँ नहीं नहीं माँ नहीं माँ 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 मुझे छोड़ के मत जा माँ। तो बेटा वादा कर। हाँ माँ। ऐसे घटिया पेपर वाले पंच नहीं मारेगा। ये रहा मेरा चश्मा, गाना बजाओ। सालों मेरी माँ है, तुम्हारे मुंह से लारे टपक रही हैं। माँ ये वाला चश्मा नहीं, माँ बुड्ढों वाला चश्मा लगा, माँ बुड्ढों वाला चश्मा। बेटा, हाँ माँ, वो तो मैंने लाला के यहाँ गिरवी रखे हैं। माँ कब तक लाला से मिलने के झूठे बहाने बनाते रहेगी माँ? कब तक खेक करके सारा सामान अनु जी लाला के यहाँ पे छोड़ आई है? क्या दिया है लाला ने हमें बताओ? तुम्हें है? अरे नहीं, लाला का लाल। अरे पूरी बात तो सुनो, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक जवान माँ घर पे बैठी हुई है और तुम उसे यूं कपड़े सिलवा दो, कब तक यूं कपड़े सील सील के मैं तेरा पेट भरूंगी? कौन से कपड़े? ये कपड़े नहीं, इसको कच्चे कहते हैं माँ। और तुम्हारे साइज के भी नहीं है। किसके कच्चे हैं माँ, किसके कच्चे? अनु जी ये क्या, क्या है? ना माँ ना, अनु जी का नाम मत ले माँ, वरना यहाँ भी उनकी शायरी आ जाएगी। धोखेबाज दिल तोड़ के चला गया, अनु कच्चा छोड़ के चला गया। लगा दे ऐसे कच्चे को माँ। मेरी शादी कब होगी माँ? तेरी शादी बस एक शर्त पे होगी। बोल माँ बोल। तुझे अपने पिता के
कातिल से बदला लेना होगा। बता माँ मेरा बाप कौन है माँ? इतने सारे मेरे बाप माँ? बाप? कातिल है कातिल। इतना टाल मोटोल मत कर, सीधा सीधा बता दे कि मेरा बाप कौन है। ये नहीं माँ, नहीं नहीं एल्बम नहीं। एक ही बाप है, ये शादी का एल्बम दिखा रही हूँ। तेरे मरने की टाइमिंग बिल्कुल गलत है बेटा। मेरी तो मरने की टाइमिंग गलत है माँ, तेरी तो कॉमेडी की टाइमिंग गलत है माँ। जा 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 के डेली शॉप कर, कहाँ से करेगी, उसमें भी तेरा ट्रैक खत्म हो गया माँ। मैं सच्ची बता रहा हूँ। ज़रीन मैम, आपकी फिल्म आ रही है अक्सर जी। भाई ने कितनी अच्छी बॉडी बनाई गौतम ने, और हीरोइन ले ली ज़रीन, किसने देखनी पे तेरी बॉडी। थैंक यू, थैंक यू। बाहर अजीब जी उनको बोलते हैं कि टाइमिंग खराब है। ठीक है, अरे बहुत कड़क टाइमिंग की अनीता की, और इतने फूल उनकी साड़ी में, उतने ही आपकी शर्ट में, ऐसा लग रहा है पूरा बगीचा उखाड़ के लाया। कड़क माँ और क्यूट से बेटे ने बहुत ही मजा दिलाया हमको भैया, एकदम बढ़िया। आप दोनों का एक्ट मुझे इतना अच्छा लगा, और आई थिंक खाना जो है वो मेरा ट्रू लव है, तो मैं आपको KFC का ट्रिपल ट्रीट देना चाहूंगी। इसको अकेले नहीं खाना, प्लीज मेरे साथ शेयर करना। ज़रीन खान आई है, उन पे कोई राइमिंग बना सकते हैं क्या? अभी बनाते हैं। बजाय ई बनो, पकड़ भाई ई एफ सारे ले ले आज। ज ज ज ज ज ज ज ज ज, ये कोई नया अंदाज है। ज 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 ज। You look so beautiful. You are such a dream. Koi jab bhi tumko dekhe, bas 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 yehi soche. Life meri ban jaye agar tere saath ho jaye scene. Ubin, bol, bol. Gautam, abhi na dono saath mein hum gaate hain. Chalo. Come on, go for it. Zareen, for you. Za 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 za. Zareen, you look so beautiful. You are such a dream. Hey, you look so beautiful. You are such a dream. Har ladka tujhe dekh kar bas yehi bole, aur life meri ban jaye agar tere saath ho jaye scene. जिसे देखो यहाँ वो हुस्न की बारिश गीला है, इश्क के नाम पे करते सभी अपराध लीला है। अनु जी, हमारे तबेले से आ रहे हैं, कल ही पूछ कटवाई है, कान कटवाए भैया, और पैंट शर्ट में आ रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए जीवे सुगा। थैंक यू भारती, थैंक यू। आई वांट टू टॉक अबाउट इंडियन फैमिलीज नाउ। इंडियन फैमिलीज आर वेरी नाइस नाउ। इंडियन फैमिलीज रोटेट अराउंड फूड। नाश्ते का आखिरी बाइट मुंह में जा रहा था, लंच में क्या खाओगे? और पूछो कुछ भी बनाते हुए जिनका मन होता है। मैं घर वालों को भौंक भौंक के मर जाता हूँ, दाल चावल चाहिए। दोपहर को पनीर की भुर्जी बना रखी है। ऐसे क्यों? कह दूध फट गया था। औलाद की इज्जत फटे हुए दूध से नीचे है। लाइक आई हैव हैड जेन्युइन कॉन्वर्सेशंस कि दही खट्टे हुए कुत्तों को डाल दें, कड़ी बनानी है। ऑब्वियसली कड़ी बनानी है, क्या है, दही इतनी महंगी आती है। मेरी माँ मुझे ना जाके बोलती थी शलगम खरीद के लाया कर। अनुज आपको पता है शलगम क्या होती है? शलगम इज टर्निप। मुझे नहीं पता था क्या होता है। है वाहियाती। तो मेरी माँ ने बोला इसे ना
piles में बहुत आराम आता है मुझे है भी नहीं ऐसी सब्जियां क्या फायदा जो खाते हुए स्वाद हो जाते हुए आराम दे रही है आपको लेकिन उसका क्या फायदा है इट्स हॉरिबल हॉरिबल और हम किसी भी चीज के परांठे बनाते हैं दिल्ली में किसी भी चीज के परांठे मेरी माँ ने दाल चावल के परांठे बनाए हुए एक बार हाँ इट इज हॉरिबल यू हैव नो आइडिया रात का खाना है बस सुबह परांठे बनेंगे उसके हमारे बनाए ही जाते हैं दाल के परांठे देखा दाल दिल्ली वाला हूँ पता है मुझे परांठे एक दिन सुबह उठा तो मुझे कहते काम करो तू पालक खरीद के लिया मैं हूँ मर्द जात मुझे नहीं पता पालक होता कैसा है देखने में मैं मदर डेरी पहुंचा ऐसा कि मुझे पालक चाहिए तो झाड़ी पड़ी रबर बैंड में उठाओ दफा हो जाए यहाँ से अगले दिन उठा के दिया काम कर सरसों लिया मैं वापस पहुंचा मदर डेरी ऐसे मुझे सरसों चाहिए कह रहे दूसरी झाड़ी उठा दफा हो जाए थर्ड डिश से काम कर चौलाई लिया मैं तो है भी मन से बनाई जा रहे हो आप ये थर्ड तो ठीक है चौलाई फोर्थ डिश बथुआ मैं ये गाली है मतलब आप किसी को बोलो बथुआ क्या तेरी माँ बथुआ We have one sabzi that we hate everyone. Like one sabzi we hate. हमने एक दिल से एक सब्जी जिससे नफरत करते हैं. अनुज आपकी कौन सी सब्जी है? शलजम. See this is what I mean. मेरे को आलू वड़ी से नफरत है. आलू वड़ी से. हद से ज़्यादा. मेरी माँ हर दो दिन में invariably वो बनाती रहती है. And they'll come up with dialogues. आज खा के देख. आज बहुत स्वाद बनाई है. वो नहीं खानी मेरे को यार स्वाद बनाई है. अच्छा एक टुकड़ा. अरे नहीं खाना. अच्छा प्लेट में पड़े रहने दे. नहीं चाहिए मुझे प्लेट में. और जितनी गोबर सब्जी ना उतनी जल्दी बनती है जितनी गोबर सब्जी आलू बड़ी बनती है मैंने नॉनो कुकर पूरी कॉलोनी खा के चली जाती खत्म नहीं होती चिकन बनता है 150 ग्राम दूसरा पीस लेने हाथ पकड़ लेते हमारी माँ हमारे दूसरों को भी खाना है कौन खा रहा है हमारे पीछे से कौन एंड द वर्स्ट पार्ट इज व्हेन यू फैट पीपल विल ट्राई टू टेल मी टू गो टू जॉइन जिम नाउ यू गो टू जिम राइट जिम व्हेनेवर आई गो टू अ जिम पीपल लूज देयर शिट इन लाइफ पीपल लुक एट मी इज लाइक गिव मी योर एज I said, 39. What's your weight? About 100 kilos. Height kya aapki? I said, 5 feet 4 inch. Wo mera body mass index calculate karta hai. BMI aadha ghanta. Then he comes back and tells me, do you know you're overweight? Main tere ko pata tu andha hai. A blind man can touch me and tell me I'm fat. Ye gadha calculate kar raha hai. Phir ek aur question aata hai. Why do you want to join the gym? Main achha, achha. Nahi, mere triceps theek nahi aa rahe hain ye. Tu andha hai, maa ye ve? Kyun pooch rahe hai? My way. दिल्ली वाला दिल्ली दिल्ली में चलता है मुझे लोगों ने स्विमिंग ज्वाइन कर लिया स्विमिंग आई वेंट फॉर स्विमिंग वो इंस्ट्रक्टर क्या होता है इंस्ट्रक्टर ना आपको बहुत अलग तरीके से ट्रीट करता है जैसे अगर मैं स्विमिंग करने जाऊंगा ना कहता सर हाँ बताइए बहुत से एज भाई सर 39 आपका वेट कितना है सर अबाउट 100 किलोस स्विमिंग आती है आपको नहीं तो अब तक क्या कर रहे थे तू मेरा बाप लग रहा है तेरे को क्यों बताऊं मैं बट आई रियलाइज कि इंडियन पेरेंट्स कैन ओनली लव वन पर्सन इन द लाइफ व्हिच इज द इंडियन मेड मुझे ना मेड के नाम पे धमकाया जाता है मेड आने वाली खाना खा लो मेड आ रही चुड़ैल आ रही कुछ मर्जी बोलो इंडियन पेरेंट्स का रिश्ता और मेड का रिश्ता विक्रम और बेताल का होता है इंडियन मेड होती है विक्रम वो अंदर घुसती है आपकी माँ बेताल बन के चढ़ जाएगी जस्ट दैट ये देख ये देख ये देख कूड़ा ये देख ये देख कॉलर गंदा ये देख कटोरी में विम वो कह रहे 2 मिनट छोड़ दो हम जनवरी में बैठे थे जनवरी में विल मेक दिस स्टेटमेंट इस बार दिवाली पे ना तेरे 20 रुपए बढ़ाऊंगी अगले दिन मेड आती नहीं है एंड इंडियन पेरेंट्स हैव दिस डायलॉग्स इन लोगों को जितना भी प्यार करो ना ये सर पे चढ़ जाती है झूठ है झूठ झूठ है महा झूठ आई ट्रैवल 24 डेज अ मंथ सो आई वॉन्ट माई मदर टू बी वेरी कंफर्टेबल सो आई कीप टेलिंग कैन वी गेट अ परमानेंट मेड लाइक आने जाने का लॉजिक नहीं रहेगा शी विल कम अप विद दिस हमारी प्राइवेसी चली जाएगी हम कौन से लाशें गाड़ते हैं पीछे I relate to this. My mother sitting right there has the same issue. You have full time maid, ma'am? नहीं क्यों? वही सेम इशू है हमको रात में एक प्राइवेसी प्राइवेसी अगर सारा दिन मेड सर पे बैठे रहेगी तो भी हम लोग को नहीं चलेगा ना नहीं नहीं मेरी जो मॉम है ना उनको ये क्राइम शोज बड़े अच्छे लगते हैं तो उनको लगता है ऑल टाइम मेड रख दिए हैं तो मर्डर ये नहीं वो इनका करके चले जाएंगे So you have to realize they come up with rebuttals that you can't have an answer for. Like Gupta ji ki maid na Sharma ji ka qatl kar gayi thi. Main qatl unka hota jinke paas paise hote hain. Meri toilet seat tooti hui hai. 5 minute phaltu baithte chipak ke khadi hoti hai wo. Here please. Hamare wo qatl nahi karegi 200 rupaye rakh ke jayegi judwa lena. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Oh, one guy. Thank you so much.
एक पॉइंट मेरी भी लाइफ में था जब मैं भी 100 किलो के ऊपर की थी तभी मिलना चाहिए था मैं आई रिलेट टू एवरीथिंग दैट यू हैव सेड एंड इट वाज रियली एंटरटेनिंग रियली हैट्स ऑफ टू थैंक यू सो मच थैंक यू जी वैशु जी मैं आपकी मम्मी से कहूंगी कि सासू आंटी सासू मत खिलाइए ना उनको आलू बड़ी उनको दीजिए ना चिकन विकन कितने पतले हो गए हैं जब आए थे तो थाई से पैंट एकदम टाइट था अब कैसे ढीला हो गया देखिए लेकिन जी वैशु जी जी बहुत अच्छा किया आपने थैंक यू वेरी मच एक्साइटेड लग रहे हैं 6 तारीख को फिल्म आ रही है भाई हाँ जी हमारी कॉमेडी दंगल की पूरी टीम की तरफ से शुभकामनाएं है भैया धन्यवाद अक्सर 2 सुपर डुपर हिट जाए हम चाहते हैं कि जरीन और गौतम आपके साथ एक गेम खेलना चाहते हैं हाँ जी का उधर चलिए आइए जरीन ये गुब्बारा कहीं भी रखिए कहीं भी टच कीजिए गुब्बारा गिरना नहीं चाहिए भैया और गुब्बारे पे हाथ नहीं लगाना हाँ म्यूजिक तो हाथ नहीं यूज करने आपके थोड़ी लड़की वाकई बड़ी हॉट है भाई गुब्बारे फटने लगे मैं बताती हूँ कैसे करना है क्या हटिए ना आप ही कर लो ये वाला हाथ पीछे रखिए हाँ जी हाँ चलिए देखा ऐसे करना है अब चने की बारी इतनी एनर्जी लगी तो चने की बारी तो आएगी ना एक बार जोरदार तालियां जरीन और गौतम के लिए भारती यार मजा नहीं आ रहा यार मजा नहीं आ रहा यार आ रहा है हाँ अभी थोड़ा तो आ रहा है मगर यार यहाँ पे आए हैं बैठे हैं तब से सबके एक्ट देख लिया तुम्हारे एक्ट नहीं देखा तुम्हारा एक्ट कब दिखेगा जोरदार तालियां हो जाए भारती के लिए भारती चलिए करते हैं फिर हाय रे हाय तेरा घुंघटा हाय रे हाय तेरा घुंघटा नींद चुराए तेरा घुंघटा हे चांद घटा से निकले कोई उठाए तेरा घुंघटा उठा भी दो घुंघटा शमा की आहट में परवाने जाग जाते हैं जब हम घूंघट हटाते हैं ये साले भाग क्यों जाते हैं अनु जी ये जो गौतम है ना इन्होंने हमको पटाने के लिए बहुत हाथ पैर जोड़े जब हम नहीं माने ना तो हमारे 100 तक आ गए गौतम रोड़े वैसे एक बात बोले जरीन हम बहुत संस्कारी औरत है जी। हमने आज तक किसी के साथ गलत नहीं किया लेकिन हाँ अगर हम किसी के साथ पट जाए ना तो फिर आंख उठा के अपने पति को भी नहीं देखते अब गौतम गौतम अब तुम ही बताओ पति बनोगे कि आशिक जरीन हमने आपकी फिल्म का ट्रेलर देखा था जी का ट्रेलर था ऐसे पानी में से निकलती बार बार गोरी चिट्टी ऐसे लेकिन एक बात कहे ये जो फिल्म है ना अक्सर 2 हमका मिलने वाली थी पहले हम तो उस सीन के लिए भी तैयार हो गए थे पानी से निकलने वाला लेकिन डायरेक्टर ने कहा सब ठीक है भारती आप ठीक दिखती हो लेकिन वो नाम चेंज करना पड़ेगा नाम होगा भरी जवानी में
गई भैंस पानी में. हमको गुस्सा आ गया, हमने बोला हीरोइन तो बन के रहेंगी, क्योंकि हमको पता है बॉलीवुड में हमसे झनाटेदार हीरोइन आज तक नहीं आई. आई एग्री. क्यों भाई? अरे बॉलीवुड में कैसी हीरोइन है? हम और जरीन तो फिर भी गदरीली है, अच्छी दिखती है, ऐसी हीरोइन ऐसी हीरोइन ऐसा लगता है पिचकारी मुंह में डाल के अंदर की हवा खींच ली. आज तक बॉलीवुड में ढंग की हीरोइन कोई आई नहीं. पहले की हीरोइन देखी आए हाय सेवेंटीज की, 15-15 इंच के छोटे छोटे मुंह और सर के ऊपर 6 फीट का जुड़ा. इतने गोरे गोरे मुंह, ऐसा लगता था घोंसले में से अंडा निकल रहा है. और अन्नू जी आपने तो देखा ही होगा, हम सबने देखा जब छोटे थे, इतने टाइट कपड़े पहनती थी, इतने टाइट कि एक ही जगह पे खड़ी रहती थी, और जब भागना होता था तो ऐसा लगता पेंगुइन भाग रहा है. और अगर कोई हीरो रोमांटिक गाना बोलता है तो ऐसे दुपट्टा खाती थी ऐसे, और बाद में जब खींचो ना तो 1.5 मीटर दुपट्टा अंदर से निकलता था. पहले का फैशन आय हाय हाय हाय, का फैशन होता था काजल पे ये मोटा मोटा ऐसे 6-6 इंच का, ऐसे लगता था हीरोइन नहीं है बैटमैन खड़ा है. का कास्टिंग होती थी समझ ही नहीं, इसको भी ले लिया उसको भी ले लिया. अभी कुछ दिन पहले हमने एक पुरानी फिल्म देखी, का नाम था उसका, क्लर्क. ओहो कॉलेज का सीन, 42 साल के मनोज कुमार आ रहे हैं, उधर किताबें पकड़ के 40 साल की रेखा झुर्रियों वाली, उधर 50 साल के प्रेम चोपड़ा इंतजार कर रहे पहले ही. ऐसे लग ही नहीं रहा था कि कॉलेज का सीन है, ऐसे लग रहा ओल्ड एज होम देख रहे कहीं. 70s में कमाल का फैशन लड़कों का, हाय 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 हाय, हीरो ठाकुर साहब जैसे, फूलों वाली इतनी कमीज, फूल 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 फूल, गलती से कहीं हीरो लेट जाए ना तो ऐसे लगता था लास्ट पे फूल चढ़ाए हैं. कैसा फैशन, कॉलर यहाँ तक होते थे, ऐसे ऐसे लगता था कि अभी पैकअप होगा, सब लोग बाइक पे जाएंगे और हीरो कहेगा आ, 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 कॉलर से पंख मार के निकल जाएगा. अब बात करते हैं 90s की. ये धरती मेरी माँ है, यानी कि सुनील शेट्टी जी की. क्या बात है, ओहो उनकी पेंट यहाँ पर होती थी सर, यहाँ पर बेल्ट और शर्ट भी अंदर, ऐसा लगता था पेंट के साथ ब्लाउज पहना हुआ है. आजकल कैसे हीरो आ रहे भाई, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है. एक तरफ वरुण धवन, दूसरी तरफ नवाजुद्दीन जी, एक तरफ टाइगर श्रॉफ, दूसरी तरफ इरफान खान, एक तरफ रणबीर कपूर, दूसरी तरफ राजकुमार राव. ऐसा लगता है गरम गरम पूरी हलवे के साथ बासी सब्जी दे रहे हैं. कॉम्बिनेशन कहाँ होता है पता ही नहीं बॉलीवुड वालों को. बीके होट हमारे बेचारे अन्नू मलिक जी ने बनाया है और सारी पपिया इमरान हाशमी ले रहा है, का है? लेकिन एक बात कह दे, कुछ भी है नरम गरम तो चलता रहता है. बॉलीवुड के लोग आए हैं, तारीफ तो करनी पड़ेगी, लेकिन इस बार कह सकते हैं कि 2017 में अच्छा माल आया है भाई दुकान पे. लेकिन हम बोल दे जरीन, आपके बहुत बड़े फैन हैं जो इस वक्त यहाँ पे बैठे. ए लड़की आ जल्दी उबरा, आजा आजा जल्दी, आप देखते ही पहचान लोगे कौन है. कैसी है डायना आप? एकदम वेरी गुड. एकदम वेरी गुड, वाह. ये डायना है फिल्मों में आती थी पहले, अभी थोड़ा घर में है काम नहीं कर रही. अच्छा आप इन तीनों में से किसकी फैन है? जरीन जी की. How sweet, thank you. जिसकी हो वो स्वीट कहता ही है, बाकी दोनों कुछ बोलेगा नहीं ना. Very sweet. क्या नाम है आपका वैसे असली वाला? सोनिया. सोनिया मैंने आपको देखा एक फिल्म में, कौन एनाबेल में, क्या बात है, गुड़िया यही बनी थी. थैंक यू सोनिया, थैंक यू. आप दिल थाम लीजिए, साउथ के सुपरस्टार आपके इतने बड़े फैन है जिनको लोग मिलने के लिए पागल है, लेकिन वो भीड़ में सिर्फ आप तीनों के लिए खड़े. जोरदार तालियां कटप्पा के लिए.
कैसे कटप्पा जी? ठीक हूँ मैडम। सारी दुनिया एक ही सवाल पूछना चाहती है कि आपने बाहुबली को क्यों मारा? आपके कहने पे। भारतीय सफारी भी देती हो। हमने कब कहा था? आप ही शिवगामी हो। आप इतने बड़े सुपरस्टार हैं, अगर आपका परमिशन हो तो आपकी दाढ़ी को छू सकते हैं? बिल्कुल। एक तार का तारी बनाए हो? ओरिजिनल है। आपकी फेवरेट जरीन जी बैठी हैं, उनको कुछ कहना चाहेंगे? एक मिनट, पसीना आ गया भैया। कितनी खूबसूरत सहमी हुई, ऐसे लग रहा है कि ड्रेस नहीं बटर नान ओढ़ के बैठी हुई है। क्या कहेंगे, बोलिए तो सही, कटप्पा की बोलती बंद हो गई। बहुत सुंदर हो मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। आप भी बहुत सुंदर मैडम। एक बात कहें, बड़े प्यारे हैं और झूठे भी। एक बार जोरदार तालियां कटप्पा के लिए। थैंक यू सर, क्या बात है। बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार आए थे आज हमारे शो पे और बॉलीवुड की हमने बातें की। थैंक यू सो मच।